कोरोना के बढ़ते केस के बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा पैदा हो गया है। राजस्थान में अब तक चिकित्सा विभाग ने 174 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि की है, जिनमें से करीब 40% मरीज ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक ये पता नहीं चल पाए कि उन्हें संक्रमण कैसे हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। देश दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट केस राजस्थान में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चिकित्सा विभाग ने दिसंबर के पहले सप्ताह में ओमिक्रॉन के 9 केस मिलने की पुष्टि की थी। इसके बाद से अब तक कुल 174 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है। हालांकि चिकित्सा विभाग की माने तो इसमें से 88 से अधिक केस रिकवर भी हो चुके हैं, लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि इन पॉजिटिव मरीजों में से 66 मरीज ऐसे हैं जिसके बारे में अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि उन्हें ये संक्रमण किसने दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग की 3 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक 7 ओमिक्रॉन के वे मरीज चिन्हित किए गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने से ही वो ओमिक्रॉन के शिकार हो गए। इसी दरमियान राजस्थान और खासतौर पर जयपुर में एकाएक केस बढ़े हैं, जिसको देखकर खुद एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि कम्युनिटी में भी संक्रमण फैल गया है। राज्य में 174 केसेज आए हैं टोटल ओमिक्रॉन के, जिसमें 36 लोगों की बाहर से विदेश यात्रा की हिस्ट्री है, साथ साथ में 22 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट जो पॉजिटिव लोग थे ओमिक्रॉन से, उनके 50 लोग ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री है कॉन्टैक्ट की, तथा 66 लोग ऐसे हैं जिनका अपनी सोर्स पता नहीं चला अपन को कि ये लोग बाहर से विदेश करके जो लोग आए हैं उनके कांटेक्ट में आए हैं, या यहाँ जो पॉजिटिव थे कांटेक्ट वाले हैं उनके कांटेक्ट में आए हैं, उनका सोर्स का पता नहीं लगा। 66 लोग ऐसे हैं। प्रदेश में अब तक कुल 174 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इन मरीजों में 36 ऐसे हैं जो विदेश यात्रा से लौटे हैं। 22 मरीजों में देश के दूसरे राज्यों की यात्रा की हिस्ट्री पाई गई है। 50 मरीज वे हैं जो ओमिक्रॉन मरीजों के संपर्क में आकर संक्रमित हुए, जबकि 66 मरीज ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनमें कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं मिली है। इन्हीं मरीजों के बाद राजधानी में लगातार केस बढ़ रहे हैं। राजस्थान और खासतौर पर जयपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस ने कम्युनिटी स्प्रेड के संकेत दे दिए हैं। चिकित्सकों का मानना है कि ओमिक्रॉन स्प्रेड तो अधिक कर रहा है, लेकिन मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं देखे जा रहे हैं। ओमिक्रॉन बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स हैं, और जिसके अंदर ज्यादातर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें मैं कहूंगा कि माइल्ड फीवर है, सोर थ्रोट है, माइल्ड कॉफ है, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, और 95% केसेस टोटली एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो जो वर्तमान प्रोटोकॉल है, जो प्रीवियस वायरस जो डेल्टा के अंदर भी है, वो इस प्रोटोकॉल इन कंडीशन में एज पर सीवियरिटी एडवाइज्ड है। तो इसको देखते हुए फिर पुनः आपके माध्यम से हम जनता से यही आग्रह करना चाहेंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना आप अपने स्तर से सुनिश्चित करें। राजधानी में बढ़ते केस को देखते हुए एक्सपर्ट का तर्क है कि जब संक्रमण की दर 5% से अधिक हो जाए तो पूरे इलाके में कम्युनिटी स्प्रेड माना जाता है, लेकिन बड़ी राहत ये है कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा है। सबसे बड़ा उदाहरण है राज्य का डेडिकेट कोविड हॉस्पिटल RUHS। जयपुर में कोरोना एक्टिव केसेज की संख्या 2135 है, जबकि RUHS में महज 38 मरीज भर्ती हैं, इनमें से 7 ICU में भर्ती हैं। राजस्थान में कोरोना के केस जिस तरह से दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, उससे थर्ड लहर साफ दिखाई देने लगी है। हालांकि सरकारी तंत्र पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, अस्पताल से लेकर दवाओं की उपलब्धता तक के इंतजाम किए जा चुके हैं, लेकिन अब सब कुछ प्रदेश की जनता पर निर्भर करता है। एक्सपर्ट की माने तो यदि लोग प्रशासन का साथ दें, कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर की पालना करें और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए तो काफ़ी हद तक संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। उम्मीद है कि राजस्थान की जनता इस गंभीरता को समझेगी और संक्रमण की रोकथाम में प्रशासन का सहयोग करेगी। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।